मंदिर दूनागिरी मंदिर जय माँ दूनागिरी पूजा सामग्री भंडार। और ये रहा रास्ता मंदिर का, यही है ना ये रास्ता। और सबसे स्टार्टिंग यहाँ पे थिंक है कि यहाँ पे है ये शिवलिंग से स्टार्टिंग, तो यहाँ से ली जा रही है पूजा सामग्री। हम चढ़ाएंगे, हम ये मंदिर में क्या कहते हैं घंटा, घंटा चढ़ाएंगे मंदिर में, घंटा घंटी। और ये बहुत बड़ा घंटा भी है, बहुत बड़ा घंटा है ये। उठ भी नहीं रहा, उठ रहा है। कितने का? 5-6 किलो का, 5-6 किलो का ये वाला। तो ये 5-6 किलो का है यहाँ पे ये वाला। तो अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो गिनेंगे कितनी सीढ़ियाँ हैं पहली। तो हम पहले से 1, 2, 3। तो मैंने सीढ़ियों की गिनती भूल गया मैं, क्योंकि ये बहुत सारी है, मैं वीडियो में काउंट कर लूँगा। हाँ, पर मैं अभी नहीं काउंट कर सकता। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाहर ऐसा मौसम हो चुका है कि बस अभी बर्फ पड़ेगी या बारिश होगी। बाकी तो ये मंदिर अभी बहुत बचा हुआ है। तो लेट्स बिगिन की कितनी और सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे बची हुई। फर्स्ट मुझे यहाँ पे दिखा है कुछ पेड़ों पे ढकी हुई चुन्नी। और यहाँ से एक रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो। और एक है यहीं पे जो यहाँ पे मन्नत मान रखा है। ओह डैम। तो यहाँ पे देखिए चलते हैं आगे यहाँ से। मुझे दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, फाइनली मुझे मंदिर दिख चुका है और मैं बहुत थक गया। मंदिर आ गया है, नहीं अभी भी मंदिर नहीं आया। ओके जो अभी मैं देख के आया वो मना आया। मंदिर बहुत आगे है और मैं बुरी तरह से थक चुका हूँ। सीढ़ियाँ भी अभी थोड़ी रुकी हुई है, पर हम इतना थक चुके हैं। देखिए हम पहाड़ की टॉप पे आ चुके हैं दोस्तों। और बाकी तो मेरे फैमिली मेम्बर्स का कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत आगे आगे चला गया वीडियो बनाने के लिए। एक हर जगह दिख गई मुझे। अच्छा तो ये नीचे से एक रास्ता था जो शॉर्टकट था, जो मैंने नीचे से दिखाया था आपको, तो वो जो नीचे से रास्ता आता है वो आता है यहाँ, बजाय किसी सीढ़ियों के और बजाय किसी ऐसे सुरंग टाइप जो भी रास्ता बोलेंगे आप। तो यहाँ पे भी देखिए आपने, आपको दिखेगा कि बहुत से जगह पे बांध रखा है, जला रखा है, मतलब माता को की जला रखा है। बाकी ये देखिए यहाँ पे भी मन्नत के लिए मांग रखी है बहुत सारी पन्नियाँ, सॉरी पन्निया नहीं,
माता की चुनरी बहुत सारी बांध रखी है। वहाँ पे देखिए एक प्रसाद की थैली भी दिखाता हूँ मैं आपको, जो दूर कहीं वहाँ है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा ब्लर ब्लर सा आ रहा है, पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा। तो मैं चलता हूँ आगे क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा कि आगे आता हुआ पीछे से। तो चलिए आगे आगे चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, अब हम जाएंगे आगे 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 और लास्ट थ्री, 1, 2 and 3। तो ये है मंदिर यहाँ पे, नहीं इस प्रवेश द्वार का निर्माण वर्ष 2001 में हेमचंद्र चौधरी निवास हाट द्वारहाट द्वारा अपने पूज्य पिता एफ श्री शमुदत्त चौधरी की मधुर स्मृति में किया गया। यहाँ से आगे मैं तभी चलूँगा जब मेरे बाकी फैमिली मेम्बर जाएंगे, और तब तक आते हैं वो, जब तक हम रहते हैं यहाँ पे। अल्लाह दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, ये दूनागिरी मंदिर में, और हमने 250 से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी। कितनी सीढ़ी थी मम्मी? ऐसे 270 की, कितनी ऐसी है? 270 से, मतलब 250 से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी और फिर जाके हम यहाँ पे पहुंचे। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, घंटा चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद वी विल गो बैक। और इतने सारे घंटे चढ़े हुए ऑलरेडी कि मेरे छोटे घंटे से घंटे को जगह नहीं मिलने वाली। मेरे आगे से जा रहे हैं माता पिताजी और छोटी छोटी सी कुकड़ी। नहीं मेरे को तो उतनी थकान नहीं लगी। ओए क्या ऊपर से अब नीचे जाएंगे? भाई धन्य हो हमारे को, मतलब ऊपर जाए। अरे अभी और यार सीढ़ियाँ उधर से, अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक है, अभी और सीढ़ियाँ हैं। और फिर फूल बड़े अच्छा लगा रखे, लेकिन लोगों ने इतनी दूर भी अच्छा मेंटेनेंस कर रखा है, अगर हम लोग गंदा ना करें तो। बट फिर भी लोग गंदगी फैला देते हैं। चलो चौकीदार चोर है कह रहे। चलो मैं और मेरा चौकीदार चोर है। चौकीदार आप कह रहे हैं? मैं भी चौकीदार। भुट्टो का कौन है? पहले मैं कहता हूँ चौकीदार चोर है, जैसे हम कहते कौन है रहा। हाँ 6 मिनट गोपी ने काउंट किया है कि 480 स्टेयर्स है, तो गोपी ने काउंट कर लिया कि 480 स्टेयर्स है। कितनी सीढ़ी है गोपी? 480। तो मतलब हम 480 नीचे जाएंगे अब। मैं डबल डबल चढ़ाऊं। जय हो माँ भगवती, जय हो भैरव मंदिर। ओए भैरव मंदिर में जरूर जाते हैं। उसमें ना ऐसा होता, उसमें ऐसा
होता है कि ना वो उसके आइस बर्ड्स की वजह से टूटा था, इसमें ना अम्मा उसकी हीरोइन की वजह से टूटा। इसमें पता जहाज से पता क्यों टूटेगा, जहाज में छेद इसलिए होगा क्योंकि वजन ज्यादा है। ओपे क्या हुआ, यहाँ पे लगा? अरे यार लग गया उसके, लगा क्यों लगा? अब गई रे, लगी तो नहीं जहाज और की लगी। हाँ मैं ठीक हुआ, ये मैं वहां बेड नहीं चढ़ा रही थी इसको दोस्त। ये लकी वाला आप क्या करना चाहते हो? तेरा टाइटैनिक का खत्म है, तेरा टाइटैनिक फिल्म खत्म करने से पहले तेरा टाइटैनिक बच गया। तो भैया और चले गए उधर, बाकी ये है यहाँ। नहीं भैया और जा नहीं रहा, वैसे वापस मुड़ के आ जाएगा। ये ऊपर कहाँ जा रहा है? अच्छा ऊपर से तो आए थे। तो हम चलते हैं वापस, और ये देखिए लोगों को, ऐसे बदतमीज लोग हैं, चिंगम फेंक रखी है देखो। मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब भगवान के उसमें भी आके साले थूक रहे हैं यहाँ, वो भी चिंगम। और मैं गलत वे में हूँ तो मैं चले जाता हूँ इधर, अब मैं सही हूँ। तो अब हम चलते हैं आगे 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 आगे। और दोस्तों आगे आ गया मैं, ये देखो इसका ये स्टाइल है हमारा यहाँ, नया वाला स्टाइल। और यहाँ पे हमें ड्रोन नहीं उड़ा, आप कैमरे की नजर में हैं, कृपया फूल के पौधों से, फूल के पौधे से छेड़छाड़ न करें, ठीक है? कैमरे किधर है? हाँ यार बताओ, कैमरा तो मेरे हाथ में। तो जो भी है चलो वो भी है, ठीक है। पर हम चलते हैं आगे, अब देखते हैं क्या होता है। अरे दो लेट लतीफ बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आ भी नहीं रहे। तो दोस्तों अब एक काम करते हैं, मेमोरी भरने से अच्छा है कि रिवाइंड चलाते हैं वीडियो को। तो यहाँ से आप वापस सुनोगे और उल्टा चलेंगे। तो बाय, लेट्स। यहाँ पे जैसे मंदिर में ना आप लोग भंडारे भी खा सकते हैं, आपको पानी मिलेगा, पहले छोटू पानी बांट रहे, और यहाँ पे आपको भंडारा भी मिल सकता है। आप खाना खाओ यहाँ पे, आपको खीर मिलेगी, सब्जी मिलेगी, पूरी मिलेगी, और बैठ के आप आराम से खाना भी, मतलब यहाँ पे वो भंडारा भी खा सकते हो जिसको भूख लगी होती है। तो यहाँ पे अभी जैसे सारे लोग खा रहे हैं, ये लोग खा रहे हैं सारे, और आगे है, और इधर है प्लेट रखने का, अपनी प्लेट धो के जाना पड़ेगा आपको खाना खाया है तो। और अब जैसे यहाँ पे ये अच्छी सुविधा है, क्योंकि अगर आप 480 सीढ़ी चढ़ोगे, 480 सीढ़ी तो आपको भूख लगी जाएगी। ये बुरांस का फूल, बुरांस का फूल है ये, बुरांस का फूल, और ये बांझ के पेड़, और ये देखो क्या फूल लगे हुए हैं, बरांस ही बरांस, बुरांस ही बुरांस। वो देखो फूल ही फूल बुरांस के। तो हम वापस पहुंच चुके हैं घर पे अपने, 15 घंटे का, 15 घंटे के बाद। ऊपर पंखा चल रहा है इसलिए थोड़ा आवाज, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे मैं बेबी सो रहा हूँ, और मुझे अब छोटे छोटे भूख लग गई, और फिर मैं खाऊंगा खाना। गया। तो हमारे एक भाई नए आए यहाँ पे, ये हमारे साथ नहीं आए थे। ताई आपको कैसा लगा? अरे अच्छा तो लगा, अच्छा लगा, थकान उकान, मनोकामना पूरी कर दी ना। तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई? मैंने सोचा ना एक ही बार नहीं जाती वहाँ, तो बोल जो मन्नत तो नहीं मांगी थी मैंने, चुन्नी उन्नी तो नहीं बांधी थी, तो मैंने कहा भगवान माता राजी खुशी रहे, तो दूसरी बार तेरे दर्शन करने, ये बोला था। दूसरी बार आपने 100 साल के बाद जाना था ना, रोटी बनानी थी एक गैस। और इसके बाद आते हैं हमारे ताऊ जी, जो कि
कहाँ है, ढूंढते हैं ताऊ जी को। तो ये रे, तो ताऊ जी आपको कैसा लगा सफर? बिल्कुल बेकार। वजह? थके, वहाँ पे खाने को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो दोस्तों आपको पता ही है हम खाने के लिए रुके थे, दो जगह पे रुके थे, तीन हाँ, पर वो बहुत 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 दूरी पे, और मतलब कहते हैं कि इतनी दूरी पे मिला था हमें कि मतलब आपने ड्रोन शॉट तो देखा ही होगा कितना दूर था वो, मतलब घरों से या मार्केट से, तो हम अलग से गए थे उसके लिए ढूंढने उसको कि हाँ चलो मिलेगा हमें खाने के लिए। और बहुत सही में मतलब बेकार भी था, अच्छा भी था, और अच्छा इसलिए था क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत से अच्छे अच्छे सीन मिले, पर हम उसके कैप्चर नहीं कर पाए, उसमें कैमरे में हमने कैप्चर किया है पर ड्रोन में हम उसे कैप्चर नहीं कर पाए। बाकी हमें ड्रोन भी उड़ाने दिया मंदिर वालों ने, और मंदिर की मैं तो मतलब मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने 960 सीढ़ियां उतरा और चढ़ा, मतलब 960 चढ़ा और 960 फिर उतरा, मतलब इतनी नहीं थी, थी वो 480, पर मैं थोड़ा ड्रोन के लिए उसको दो बार चढ़ गया, उतर गया, मुझे लगा ड्रोन शॉट लेंगे तो, पर नहीं लिया। तो अब चलते हैं हम यहाँ से, अब मिलेंगे आपको हम कल सुबह, तो ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, और सुबह हम पहुँचेंगे वापस दिल्ली के लिए, निकलेंगे मतलब यहाँ से, तो अभी हम चलते हैं वापस। सो